नमस्ते दोस्तों, यीशु सहाय जय यीशु। दोस्तों, होरो ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल में आप लोग को स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं अच्छा हूं, आप लोग भी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आप लोगों को ले चलते हैं हम लोगों का कब्रिस्तान। दोस्तों, क्रिश्चियन धर्म में कब्रिस्तान साफ करना पड़ता है। अभी ईस्टर पर्व आने वाला है दोस्तों। 2 साल से ये त्यौहार लॉकडाउन के कारण बंद हो गया था। अभी इन साल धूमधाम होगा दोस्तों। मेरे कब्रिस्तान जा रहे हैं अभी। मेरा पापा का कब्र है, कब्र धस गया है दोस्तों। और अभी मेरा मिसेस के साथ निकल रहे हैं। बहुत सारा घास निकला हुआ है, साफ करना है दोस्तों। चलिए दिखाते हैं पापा का कब्र। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा पापा का कब्र है। बहुत सारा घास निकला हुआ है, इसको साफ कर रहे हैं। यहाँ दब भी किया है दोस्तों। साफ करने के बाद में आप लोगों को दिखाएंगे। इसमें मिट्टी भी भरना पड़ेगा और मिट्टी में लिखना पड़ेगा दोस्तों, और लास्ट में वाइट कलर देना पड़ेगा। जिस दिन हम लोग का ईस्टर होता है, कब्र परब इसको बोलते हैं, तो पहला दिन सब कोई वाइट वास करते हैं। जिस दिन त्यौहार होगा उस दिन का व्यू आपको आप लोगों को जरूर देखाएंगे दोस्तों। बहुत मेहनत करना पड़ रहा है दोस्तों। हम लोग का धर्म में जो नियम है वो तो करना ही है। दोस्तों, मेरा पापा जब थे तो मेरा दादा दादी सबका कब्रिस्तान जाके कब्र सबको साफ करते थे। अभी हम कर रहे हैं मेरा पापा का कब्र को। हम भी कभी चल जाएंगे तो मेरा बच्चा लोग मेरा कब्र को भी ऐसे हर एक साल त्यौहार में साफ करेंगे। दोस्तों, मेरा मिसेस देख रही है और हम काम कर रहे हैं। उसको पता भी नहीं है हम कैमरा लगाए हैं। अभी उसको भी बोलेंगे काम करने के लिए। थक गए दोस्तों। दोस्तों, मेरा मिसेस सोचती होगी कि कैसे घर में शादी हो गया मेरा, ऐसे ऐसे काम करना पड़ रहा है। लेकिन सब काम तो कंपलसरी है दोस्तों, करना ही है। ये देखिए दोस्तों, मेरा पापा का कब्र पर हम लोग घास बहुत था यहाँ पर, छील छाल दी। यहाँ मिट्टी भी भरना पड़ेगा, मिट्टी ढोना पड़ेगा दोस्तों। दब किया है, इसमें मिट्टी भिगा के लिखना पड़ेगा, बढ़िया से सजाना पड़ेगा दोस्तों। बहुत कोई पक्का कर दिए हैं, हम भी कोशिश करते हैं पक्का करने के लिए।
दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।